हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम में अपनी कॉपियों को लिखें तथा अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। इस वीडियो में हम आपको वो बारीक से बारीक चीजें भी बताएंगे जिससे आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बना पाए, अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए और आप चाहे जिस सेमेस्टर में हो इन पैटर्न को फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चाहे 50 नंबर का पेपर हो या 25 नंबर का पेपर हो, आपको अपनी राइटिंग स्पीड मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको खूब ढेर सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट गया तो इसमें लॉस आपका ही है। तो कहीं ना कहीं स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं डीएलएड 2019 बैच का पास आउट स्टूडेंट हूं और मेरे सारे सेमेस्टर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छूटा हो। मैंने अपनी स्पीड को इस तरह मेंटेन किया कि आखिरी में मेरे पास 5 से 10 मिनट बच जाए ताकि मैं अपने सारे आंसर को एक बार रीचेक कर सकूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे मैंने इन सारी चीजों को अप्लाई करके 93% मार्क्स गेन किए। दोस्तों, एग्जाम में आपको अपने साथ 2 नीले और 2 काले पेन लेके जाने हैं। इसके अलावा 2 स्केच, चाहे वो ब्लू हो या ब्लैक। इसके अलावा पटरी, प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, ये सारी चीजें लेके जानी है। और पेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पेन से लिखते हैं, जेल पेन से या डॉट पेन से। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित जैसे विषयों में आपको पेंसिल और रबड़ की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम में आपको 10 से 15 मिनट पहले कॉपियां मिल जाएंगी। कॉपियों को आपको अच्छी तरह से जांचना है, देखना है कि कहीं कोई पेज फटा तो नहीं है, लाइनिंग प्रॉपर तरीके से है कि नहीं। अगर लाइनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है उसमें या पन्ने खाली हैं, सादे हैं, तो आपको एग्जामिनर को बोलकर वो कॉपियां चेंज करवा लेनी है। कॉपी चेक करने के बाद आपको फर्स्ट पेज में जो डिटेल भरी हुई है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से भरना है, क्योंकि अगर यहां पर कोई गलती हो गई तो आपकी कॉपी हो सकता है चेक ही ना हो। और इन डिटेल को पढ़ते समय अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। डिटेल को फिल करने के बाद आपको अपनी कॉपी में लेफ्ट की तरफ लाइनिंग खींचनी है, जिस तरह ये देखिए मैंने खींच रखी है। इस तरह आपको लाइनिंग खींचनी है सारे पेजों पर। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी ए कॉपी भर जाती है तो आपको बी कॉपी की डिटेल भी सारी अच्छी तरह से फिल करनी है तथा बी कॉपी को मजबूती से 2 धागों से बांधनी है। अपने साथ आप स्टेपलर भी ले जा सकते हैं अगर आपके सेंटर पे अलाउ हो तो। तथा ए कॉपी पे आपको ए प्लस बी, अगर आपने ए कॉपी भरी है तो लिखना है, यदि आपने 2 बी कॉपी ली है तो ए प्लस 2 भी लिखना है। ए कॉपी के फ्रंट पेज पर फर्स्ट पेज की डिटेल और सारे पन्नों में लेफ्ट की तरफ स्केच पेन से लाइनिंग करने के बाद आप चाहें तो समय बचाने के लिए 25 नंबर के पेपर में 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर की जगह छोड़कर तथा 50 नंबर के पेपर में 15 बहुविकल्पी प्रश्नों की आंसर की जगह छोड़कर ये पूरा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है। आपको सबसे ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न हेडिंग डालनी है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखनी है, जगह छोड़नी है, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 लिखनी है, जगह छोड़नी है। इस तरह से आपको 50 नंबर के पेपर में 15 क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए जगह छोड़नी है तथा 25 नंबर के पेपर के लिए 5 आंसर्स की जगह छोड़नी है। इस तरह कम से कम आप अपने 5 मिनट बचा लेंगे। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और उसका जो उत्तर होगा। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, तो उस ऑप्शन में कौन सा सही है और उसके साथ क्या आंसर लिखा हुआ है, वो भी दोनों चीजें लिखनी है आपको। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल के लिए दे रखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालने के बाद अगर उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आ सही है तो हमने आ लिखा और उसका जो आंसर है वो भी लिखा है। इससे एग्जामिनर को आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप यहां पर अपना इंप्रेशन सही बनाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके स्कोर पर पड़ेगा। आंसर लिखने के बाद स्केच पेन से लाइनिंग जरूर खींचें, जैसे कि मैंने खींच रखा है, आप देख सकते हैं। और 2 आंसर्स के बीच में कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं तोड़ना है।
अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तब भी और नहीं आ रहा है तब भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करने हैं, उसके बाद 1 से लेकर 15 तक पूरे लिखने हैं, उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न सारे सीक्वेंस में लिखने हैं और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न। आपको जो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आ रहे हैं उनको सभी को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको जगह छोड़ देनी है स्टार्टिंग में, और बाद में अगर टाइम मिले तो उन क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिखना है और कुछ ना कुछ लिखना है। और मेन बात यह है कि अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर गलती से किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हो गया है तो आप जो है उस गलत आंसर पे केवल एक सिंगल कट मार दीजिएगा, जैसे ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे हमने मारा है, और उसके बगल में करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। केवल सिंगल कट मारना है, एक से ज्यादा कट मारने पर आपकी कॉपी भद्दी दिख सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होने के पश्चात आपको स्केच पेन से एक लाइन खींचनी है, उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न की एक मोटी मोटी हेडिंग डालनी है, उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस के सारे के आंसर आपको देने हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों में अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 16 में पूछा गया था कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु क्या होती है, तो हम लोगों ने इसका आंसर लिखा है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु जन्म से 6 वर्ष होती है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और जो मेन आंसर था उसका उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको सामान्यतः 30 शब्दों में देने हैं या 3 या 4 लाइनें भी कह सकते हैं आपको, जैसा कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 17 में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रश्न में आप हेडिंग डाल सकते हैं तो वो बिल्कुल जरूर डालिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका स्कोर बढ़ा देगा। आइए अब जानते हैं कि लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। सामान्यतः लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में या लगभग एक पेज में देने हैं, जैसे कि ये देखिए हमने दे रखा है, ऊपर हम लोगों ने डाला है लघुत्तरी प्रश्न, उसके पश्चात प्रश्नोत्तर संख्या 31 डाला है, उसके बाद जो उस प्रश्न से रिलेटेड हेडिंग थी वो हमने हेडिंग डाली है बीचों बीच, और इसके पश्चात हमने अपना आंसर दिया है, और ये आंसर जो है लगभग एक पेज का होना चाहिए या 50 शब्दों का। ये देखिए इसके पश्चात आपको स्केच पेन से लाइन खींचनी है और अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। लघुत्तरी प्रश्नों में आपको हर क्वेश्चन में ब्लैक स्केच से हेडिंग जरूर लिखनी है, तथा यदि किसी क्वेश्चन में कोई फिगर बन सकता हो तो उसे पेंसिल से जरूर बनाएं, खासकर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। मैथ के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दें, उनमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। दोस्तों आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पहले से ही कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम बैक टू बैक 3 दिन में लगातार लगे होते हैं, तो आप उन दिनों प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। आपके सारे सब्जेक्ट पहले से ही तैयार होने चाहिए और खासकर आपको ध्यान अपने कमजोर सब्जेक्ट पे देना है। दोस्तों ये देखिए मेरा स्कोर कार्ड, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें मैंने खुद फॉलो करके और 93% मार्क्स गेन किए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।